फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री किचन। होप यू आर फाइन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही अलग और चटपटी भुजिया की रेसिपी। तो आपको वीडियो देखकर तो पता ही चल गया होगा, ये मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए भिंडी और आलू से बनी चटपटी और बहुत ही टेस्टी भिंडी की भुजिया। तो फ्रेंड्स, भिंडी भुजिया बनाना बहुत ही ईजी और आसान होता है, बहुत ही जल्दी भी बन जाता है। 20 मिनट में ये भुजिया लगभग तैयार हो जाती है और आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही कम सामग्री में भी ये बन जाती है और पराठे के साथ, अगर आप चावल दाल के साथ खाएंगे तो बहुत ही चटपटी बनेगी और बहुत ही टेस्टी लगेगी। बहुत लोग अमचूर पाउडर का इस्तेमाल नहीं करते हुए आपको वीडियोज़ में दिखाते हैं और कई चीज़ें ऐसे नहीं दिखाते हैं, तो आज मैं आपको अपने वीडियो में बहुत ही घर ये सामग्रियों से बहुत ही चटपटी सब भुजिया बना के दिखाऊंगी। तो मैं हमारे वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने फ्रेंड्स ले लिया है ये भिंडी, बहुत ही नरम भिंडी आपको लेनी है और बाज़ार में आपको बहुत बड़ी बड़ी भिंडी नहीं लेनी है, बड़ी बड़ी भी मिलती है तो आप छाट के लीजिएगा। ये बहुत जो छोटी छोटी नरम नरम होती है, इनको मैंने बहुत बढ़िया से धो लिया है, वॉश करके ये मैंने रख लिया है इसे। और ये लगभग 250 ग्राम है और यहाँ 5 से 7 छोटे छोटे आलू लेनी है। अगर आप आलू नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी भिंडी की भुजिया बहुत ही टेस्टी बनती है, पर अगर बच्चों को पसंद हो आलू तो आप उसमें आलू भी डाल सकते हैं, तो बहुत ही टेस्टी लगती है आलू से भी। और यहाँ मैंने हरी मिर्ची ले ली है 1 से 2 और यहाँ कुछ लहसुन ले लिया है 3 से 4। आप लहसुन को यूज़ भी कर सकते हैं, प्याज भी यूज़ कर सकते हैं और नहीं तो बिल्कुल भी मत यूज़ करिए। अगर आप लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं तो लहसुन और प्याज को बिल्कुल स्किप कर दीजिए। तब चलते हैं हम मसालों की ओर। तो फ्रेंड्स, मसालों में मैंने ये हल्दी पाउडर लिया है, एक आधी छोटी स्पून आपको डालना है। यहाँ कूटी हुई लाल मिर्च की पाउडर आपको 1 छोटा टेबल स्पून, आप जितना तीखा पसंद करते हो, क्योंकि मैंने वहाँ हरी मिर्च भी डाला है। और ये मैंने लिया है, ये मैंने फ्रेंड्स पंचफोरन लिया है, आपको 1 छोटी टेबल स्पून डालना है। और ये मैंने लिया है अमचूर पाउडर, इसको आपको 1 टेबल स्पून डालना है। और आप नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं अगर अमचूर पाउडर नहीं है तो। और नमक यहाँ स्वाद अनुसार। तो फर्स्ट फ्रेंड्स, इतनी देखिए, आप देख सकते हैं इतनी कम सामग्री में ही हमारी भिंडी की भुजिया तैयार होगी और बहुत ही चटपटी, बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो हमारी जो भिंडियाँ थी, इसको मैंने देखिए इतने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, बड़ा बड़ा नहीं, आपको बिल्कुल इतने ही बड़े छोटे छोटे में कट करना है। और यहाँ जो आलू थे इनको भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और यहाँ मैंने जो लहसुन थे उनको भी बारीक कट कर लिया है। और हरी मिर्च थी हमारी, इसे भी आप प्याज और लहसुन आपका आप नहीं भी डाल सकते हैं, आपके चॉइस के ऊपर है। तो चलिए अब हम बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आलू और भिंडी की भुजिया बनाने के लिए यहाँ मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया है और इसे हम 1 से 2 टेबलस्पून के लगभग फुल आपको सरसों का ऑयल डालना है। अब इसे गर्म होने देते हैं। तेल हमारा फ्रेंड्स बिल्कुल गर्म हो चुका था, तो यहाँ मैंने पंचफोरन डाल दिया है, थोड़ी देर तक इसे चटकने देते हैं। और यहाँ मैंने फ्रेंड्स 1 आपको पूरी फुल लीफ कड़ी पत्ता डालना है, 1 ब्रांच कड़ी पत्ता, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी ऑप्शनल है, इसीलिए मैंने वीडियो में आपको बताया नहीं था, तो पर मैंने यहाँ डाल दिया है। और यहाँ मैंने आलू जो हमारी बारीक कट हुई थी उसे भी मैंने डाल दिया है। फ्रेंड्स, जो कड़ी पत्ता है उनसे हमारी फ्लेवर भुजिया में बहुत अच्छी आती है, इसीलिए मैंने डाला है। अब हम ये जो हमारे आलू हैं उनको फ्राई करना है हमें। तो फ्रेंड्स, हम आलू को अपने मुलायम करने के लिए, इसको पकाने के लिए अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढक देते हैं ताकि ये बढ़िया से थोड़ा मुलायम हो जाए। और इनमें हमको फ्रेंड्स वो करना होता है, हमारी जो आलू होती है वो कड़ी होती है, तो इनको मुलायम करने के लिए हमें इन्हें पहले फ्राई करके इन्हें पकाना पड़ेगा। भिंडी तो हमारी नरम ही होती है तो वो जल्दी पक जाती है, तो इसीलिए आप सबसे पहले आलू को पका दीजिए ढक के 5 से 10 मिनट के लिए, तब हम इन्हें पकाने के लिए छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, 5 से 10 मिनट हो गए हैं, तो आप देख सकते हैं हमारी जो आलू थी बहुत बढ़िया से फ्राई हो चुकी है, सुनहरा कलर आ गया है। तो अब हम इसी टाइम पे जो हमारी भिंडियाँ हैं सारी उन्हें डाल देते हैं, और बारीक कटा लहसुन और मिर्च हरी उसमें भी डाल दिया मैंने। अब
थोड़ा सा चला के मिक्स कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच, मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम अपनी, आप चाहें तो ऐसे भी भिंडी को चलाते हुए पका सकते हैं, पर जो हमारी भिंडी होती है ना वो भाप में जब पकती है ना बहुत ही गजब का टेस्ट आता है, नहीं तो आप अगर ऐसे बनाएंगे तो वो कुरकुरी रह जाती है, पर आप भाप में पकाएंगे तो बहुत ही टेस्टी हमारी भिंडी तैयार होती है। तो अब हम इसे 10-15 मिनट के लिए ढक के मीडियम फ्लेम पर भाप में पकाते हैं। तो फ्रेंड्स अब देख सकते हैं मैंने 5 मिनट के बाद देखा अपनी भुजिया को, तो अब देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ गया है, बहुत बढ़िया से। ये तो मैंने आपको कहा था 10-15 मिनट के बाद, पर आपको बीच बीच में जैसे 5 मिनट बाद आपको देखते रहना है और बीच बीच में चलाते रहना है ताकि ये कहीं नीचे से लग ना जाए, और तो इसे आपको बस चलाते रहना है ऐसे ही 5 मिनट में। तो आप देख सकते हैं बहुत हमारा कलर भी बहुत बढ़िया है हमारी भुजिया में। और मैंने इसमें ये बताना आपको कि जो आप नमक है वो लास्ट में ही डालें, क्योंकि अगर आप पहले डाल देंगे तो हमारी जो भुजिया है वो पानी छोड़ने लगेंगी, तो इसी से भुजिया बहुत लोगों की ख़राब बन जाती है। तो ये बिल्कुल आइडिया आपको याद रखना है भुजिया बनाते समय। फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा 10 से 15 मिनट हो गया है, हमारी भुजिया बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हमें इसमें कुछ एक दो सामग्रियाँ डालना है, तो हम इसे चला लेते हैं। हमारी जो फ्राइड भिंडी की भुजिया है वो तैयार हो चली है। अब हम इसमें कुटी जो हमारी लाल मिर्च के पाउडर थे उसे डाल देते हैं, फिर तीखे के अनुसार आप डाल सकते हैं। और हम यहाँ स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं, और यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून अमचूर पाउडर डाल दिया है, आप नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। और मिक्स कर लेते हैं, देख सकते हैं आप फ्रेंड्स हमारी भुजिया, आपको कलर ही देखकर कितना टेस्टी लग रहा होगा, बस खाने का मन करता होगा, इतनी चटपटी और टेस्टी बनी है। कई लोग इसमें अमचूर पाउडर नहीं डालते हैं, नींबू का रस नहीं डालते हैं, पर आप ये चीज़ें डालिए और कड़ी पत्ता भी डालिए अगर हो तो, बहुत ही टेस्टी फ्लेवर देता है, बहुत ही चटपटी लगती है भिंडी की भुजिया। अब बहुत खाएंगे, 1 की जगह 10 पराठा खाएंगे भिंडी की भुजिया से जो हमने बनाया है, और ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो चलिए सर्विंग के प्रोसेस में चलते हैं हम। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने भिंडी की जो भुजिया थी हमारी वो सर्विंग के प्रोसेस में रख दिया, कितनी टेस्टी और चटपटी लाजवाब लग रही है ना, आपको देख के ही लग रहा होगा। हमारी फ्राइड भिंडी की भुजिया बनके बिल्कुल तैयार है, आप इसे चावल दाल के साथ खाइए, पराठा रोटी किसी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी और चटपटी लगेगी। तो मैंने बिल्कुल कम सामग्री में ही आपको इतनी टेस्टी भुजिया बना के बता दी है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको और भी किसी सब्जी की भुजिया चाहिए, जैसे करेले की भुजिया मैं आपको बना सकती हूँ अगर आप कमेंट करेंगे तो। लीजिए बिल्कुल हमारा भिंडी, फ्राइड भिंडी की भुजिया, आलू भिंडी भुजिया बिल्कुल बन के तैयार है, तो आप भी ज़रूर बनाइए, कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर शेयर करिए। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हम नई नई वीडियोज़ डेली लेकर आएँ। मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।